सो हे गाइस, मैं रणवीर, स्वागत करता हूँ आप सभी का लाइफ स्पेक के एक और नए एपिसोड पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजीज पैरट की फुल केयर के बारे में, उनको कैसे रखना होगा, क्या उनकी डाइट होती है, क्या उनके डिजीज आ सकते हैं, कैसे उनको ट्रीट करना है, उन सब के बारे में आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, बजीज पैरट जो है एक ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है। वो मोस्टली छोटे टाइप के बर्ड होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, और वो बेसिकली पेयर में रहना ही ज़्यादा पसंद करती है। उनकी अगर टेम्परेचर की बात करूँ, उनकी टेम्परेचर वो एक्सट्रीम टेम्परेचर की बर्ड्स नहीं होती, तो उनके लिए एक्सट्रीम कोल्ड या फिर एक्सट्रीम हॉट जो है प्रेफरेबल नहीं होता। गर्मी के दिनों में उनको वाटर स्प्रे या फिर फ़ैन की ज़रूरत हो जाती है, जो कि बड़े बड़े केजेस में साइड में फ़ैन लगाया होता है, या फिर वाटर स्प्रे उनको दिन में एक दो बार कर दिया जाता है। और अगर ठंडी की बात करें तो हम उनको कवर करके रखते हैं साइड फाइट से, मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट के टाइम पे, क्योंकि दिन में तो सूरज की रोशनी से टेम्परेचर थोड़ा ऊपर उठ जाता है। सो गाइस, उनके अगर फीडिंग की बात करें तो उनकी फीडिंग में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखना होगा कि उनका मेन जो फूड है वो है कंगनी दाना। कंगनी दाना एक छोटे टाइप के दाने होते हैं, जो कि वो उनका मेन फूड्स है। जो ये छोटे टाइप के पैरट्स मोस्ट ऑफ द टाइम यही सीड्स खाना पसंद करते हैं। इनके साथ आप उनको फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हम उनको दे सकते हैं, वेरिएशन है बहुत सारे। आपको उनका खाने का रेशियो ऐसा रखना होगा कि 70% कंगनी दाना और 30% फ्रूट्स आप उनको डेली बेसिस में दे सकते हैं। फ्रूट्स और आप उनको ग्राउंड नट्स भी दे सकते हैं, ग्राउंड नट्स, ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि आप उनको भिगे हुए चने भी दे सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनको जो फ्रूट्स मिले उनमें विटामिन्स बहुत अच्छे से मौजूद हो। सो गाइज, उनकी अगर डिजीज़ के बारे में हम बात करें तो उनकी डिजीज़ जो है मोस्ट कॉमन डिजीज़ होती है उनकी लूज मोशन के अलावा उनकी आई स्वेलिंग, उसके बाद ठंड लग जाना, गर्मी लग जाना, वो आता है। बट उनकी मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो होती है वो है लूज मोशन के लिए आप उनको प्रिकॉशन ले सकते हैं। प्रिकॉशन ये हो सकता है कि आप उनको रेगुलर बेसिस में या फिर ऑल्टरनेटिव डे ऑफ वीक में आप उनको ORS फीड करवा सकते हैं। पानी में ORS मिला के आप उनको हर दो या तीन दिन हफ्ते में आप उनको फीड करवा सकते हैं। विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण उनके हाई स्वेलिंग हो सकती है, तो विटामिन ए उनको देना होगा। विटामिन ए की दवाई भी आ जाती है, जो आप उनको खाने के साथ मिला के या फिर वाटर में मिला के आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल फ्रूट्स लाइक गाजर, उनमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। आप जब बर्ड्स लाए तो आप ये ध्यान में रखें कि आप उनको रेगुलर बेसिस में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दे रहे हैं, कैबेज, गाजर, ये सब चीज़ें आप उनको रेगुलर बेसिस में दे रहे हैं। और उसके अलावा भी उनको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप उनको एग वाइट दे सकते हैं। एग वाइट को जो है फाइनली चॉप्ड करके आप उनको दे सकते हैं उनके ट्रे में, तो वो वहाँ से जो है प्रोटीन उनको मिल जाएगा। सो गाइस, इसके अलावा उनको कैल्शियम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम के लिए आप उनके वहाँ पे कैटल बोन रख सकते हैं। कैटल बोन ऐसे ऐसे पीस आते हैं, वो आप उनके केज में रख सकते हैं, जिनसे कि वो मतलब दिन में खेलने के टाइम में वो च्यू भी कर सकेंगे और उनको वहाँ से एनफ अमाउंट में कैल्शियम भी मिल जाएंगे। सो गाइस, बजीज पैरट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पेयर्स में रहते हैं, तो उनके पेयर देखने के लिए आपको उनको मेल और फीमेल का डिफरेंस मोस्ट ऑफ द टाइम नाक का जो कलर होता है, ऊपर साइड का कलर होता है, उससे आपको पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेल का जो नाक के ऊपर का कलर है वो एकदम डीप कोई कलर होगा, ब्लू डीप या फिर ग्रीन, इस टाइप का डीप चटक कलर होगा। और फीमेल में जो है हल्का सा ब्राउनिश कभी कभार होता है, हल्का सा पिंकिश कभी कभार होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वाइट नोज होता है। सो गाइज, उनकी नेक्स्ट बात करें तो हम उनके लिए क्या क्या मल्टीविटामिन्स और मेडिसिन चाहिए। सो मेडिसिन्स तो आपको वो कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, वो सब चाहिए। और विटामिन डी जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोई भी न्यूट्रिशन, विटामिन या फिर कुछ भी दे रहे हो आप, वो उनकी बॉडी ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती अगर उनके पास विटामिन डी की डिफिशियंसी हो। तो विटामिन डी के लिए आप उनके केज को ऐसी जगह में सेटअप करें जहाँ पे कि उनको प्रॉपर सनलाइट मिले। प्रॉपर सनलाइट मिलेगा तो सन से वो नेचुरल विटामिन डी मिल जाएगा, या फिर कॉड लीवर ऑयल टाइप के मेडिसिन भी आते हैं उनके विटामिन डी की डिफिशियंसी को फील करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम बजीज पैरट में ये लूज मोशन की बीमारी आती है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। लूज का भगवान ना करे कि उनको लूज मोशन हो जाए, तो आपको उनको प्रॉपर केयर करना होगा, जैसे कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन, जो वेटरनरी डॉक्टर को आप कंसल्ट करना पड़ेगा, वहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन मिल जाएगा, जो आपको पानी में या फिर खाने में मिला के उनको फीड करवाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं चाहते कि उनको लूज मोशन वगैरह हो, तो आप प्रिकॉशन के टाइम हफ्ते में दो दिन करके उनको जो है
ORS फीड करवा सकते हैं, तो कि क्या होगा कि उनको लूज मोशन आने का जो दिक्कत है वो मोस्टली घट जाता है। और गाइस गर्मी के दिनों में मोस्ट ऑफ द टाइम लूज मोशन होते हैं इनको, तो आपको केयर रखना, ध्यान रखना पड़ेगा कि गर्मी के टाइम आप उनको प्रॉपर वाटर स्प्रे, प्रॉपर ठंड रखे वेदर में, और उनको ORS फीड करवाए रेगुलर बेसिस में। और उनके फ्रूट्स में जो है आप वेरिएशन लाते रहे, जो 70% आप कंगनी दाना रखेंगे उसके साथ 30% जो आप फ्रूट्स रखेंगे उस फ्रूट्स को चेंज करते रहे डे टू डे। आज एप्पल दे दिया तो कल कैबेज, वेजिटेबल्स भी आप उन पर ऐड करते रहिए। गाजर जो है थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा गाजर, और उनको ऐसी जगह में रखे कि वो सेफ फील करे कि नहीं वहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो, तो वो सेफ फील कर सके। सो गाइज अगर आपको बजिस पैरट लाना है तो हमेशा पेयर में ही लाए, और ध्यान रखिए कि वो साइज़ में थोड़ा बड़ा हो, वो अपने आप से सेल्फ फीडिंग हो जाए, उसके बाद ही आप बजिस पैरट लाइए। और उनके साथ उनका जो फीड कंगनी दाना होता है वो भी आप उठा के लाइए, और कंगनी दाना के साथ आप उनको सनफ्लावर सीड्स भी फीड करवा सकते हैं, छोटे टाइप के जो सनफ्लावर सीड्स है वो भी आप दे सकते हैं। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनके लिए हर टाइम अवेलेबल रखिए, उनके केज को प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रॉपरली क्लीन करे, और उनका जो खाना और वाटर है उसको डेली डेली चेंज करके दे, तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है छोटे टाइप के बर्ड्स का जो पॉटी का प्रॉब्लम होता है वो कंटिन्यूस पॉटी करते रहते हैं, तो यहाँ वहाँ के खाने पानी में भी पॉटी हो जाता है। सो गाइस उनसे जो है बैक्टीरिया प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप उनकी खाना और पानी को डेली रेगुलर बेसिस पे चेंज करें, और इन सब न्यूट्रिशन का ध्यान रखें बजिस के लिए। सो गाइस हफ्ते में आप दो दिन उनको विमरल टाइप के मल्टीविटामिन भी फीड करवा सकते हैं। और उनका केज का जो सेटअप होगा, केज का सेटअप जो है आपको ऐसी जगह में करना होगा जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम से कम हो, ह्यूमन जो है बहुत कम जाए वहाँ पे, तो वो लोग सेफ फील करते। केज ऐसी जगह में हो जहाँ पे हवा अच्छे से आती हो, नेचर में हो, आसपास पेड़ पौधे हो, और धूप भी उसमें प्रॉपर आती हो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।